हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करते हैं आज की वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप 23 सितंबर, जो कि आज आपका एग्जाम हुआ था, उसका सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमें पता चलेगा इस। तो जितने क्वेश्चन हमें पता चले वो हम अब डिस्कस करते हैं। बाकी अगर किसी का एग्ज़ाम हुआ है, इनके अलावा किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पता है फिजिक्स एंड मैथ्स खास करके, तो कमेंट करके बता सकता है गाइस, ठीक है, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक नहीं करा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अब बहुत कुछ मिलने वाला है गाइस। तो तैयार रहिए अपनी 2020 की तैयारी के लिए गाइस। होप, आशा करता हूँ आप सबका इसी बार सिलेक्शन हो जाए और अच्छा है। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है, सबसे पहला क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट का आज का, ये है हमारा वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, अप्रैल 1917 में। अप्रोच की स्पेलिंग मिस्टेक आई थी, ठीक है, जो कि यही सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं पैसे जाया था एक मोटर कार से रिलेटेड, जो कि 19th सेंचुरी के बारे में डिस्कस हो रहा था, जिसमें कुछ 1888 के टाइम की कार पूछी जा रही थी, ठीक है, जर्मनी वगैरह का कुछ रिलेशन इसमें बताया जा रहा था पैसेज में। तो उससे जो है चार क्वेश्चन आए थे गाइज। उसके बाद देखते हैं टाइफाइड किस वजह से होता है, ये जो है बैक्टीरिया से होता है, ये क्वेश्चन आया था। और इस पेपर में अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस पेपर में कोई गवर्नर, करेंसी और किसी की कैपिटल, किसी का सीएम तो कुछ नहीं आया था। ये पेपर थोड़ा अलग कह सकते हैं हम, यूनिक पेपर थोड़ा है, पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे बताया जा रहे हैं। कमांडर इन चीफ का प्लूरल पूछा था, तो सिंपल है, जब भी कमांडर इन चीफ का, जब भी आपको ऐसे में कुछ दिखे जैसे मतलब अलग अलग सेपरेशन, ठीक है, और उसका पूरे का प्लूरल दिखे, तो जो पहले वाला है उसी के साथ हम क्या करते हैं प्लूरल लगा देते हैं, कमांडर्स इन चीफ, बाकी सब नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो इसका प्लूरल ये है, इसीलिए ये क्वेश्चन इन्होंने इसमें दिया था। उसके बाद बात करते हैं प्रीफर अगर वर्ब है तो नाउन क्या होगा, तो मेनली इन्होंने हमें प्रीफर दे रखा है, तो प्रीफर का हमें नाउन बताना था, तो जो नाउन होता है इसका प्रीफ्रेंस होता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये मैन नहीं है शायद, यहाँ पर ह्यूमन है, अगर ह्यूमन की स्किन है तो फिश का क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ऑप्शन तो पता नहीं, अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट करके बताना। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इसका जो है फिश स्केल, इसकी स्किन को शायद बोला जाता है, ठीक है, फिश स्केल, SCALE। तो देखते हैं, कमेंट करके बताना गाइज इसका आंसर, अगर आपको इसके कुछ ऑप्शन पता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिगर के वही हर बार की तरह चार क्वेश्चंस, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के भी दो क्वेश्चन इसमें आए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन आ रखा था इसमें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। बाकी हर्ट, हर्ट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछा था, अगर हर्ट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है तो सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता इसमें, ठीक है। जब पास्ट हो तो नॉर्मल रहता है, पास्ट टेंस हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, हर्ट सेम रहेगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला होता तो हर्टिंग हो सकता था। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस का एंटोनियम हमारा, तो इसका याद रखना, डिफेंस का जो मीनिंग होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, या हम कह सकते हैं चुनौती, ठीक है, किसी को चुनौती देना, तो इसका एंटोनियम आपको बताना था, यानी कि इसका एंटोनियम, इसका हम कह सकते हैं आज्ञा मानना, हमें ढूंढना था किसी ऑप्शन में। अब देखिए काफ़ी अच्छा ये सीरीज का एक क्वेश्चन आया था, हमें दे रखा है 8, 24, 48, 80, तो हमें बताना है नेक्स्ट वाला क्या होगा। तो फटाफट बताइए मुझे, देखो किस तरीके से होगा, आशा करता हूँ आप सबको आता भी होगा। देखो एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या लेंगे इसमें डिफरेंस ले लेंगे, 24 में से 18 गए तो हमारा बचेगा 16, हम ले लेंगे 18, 48 में से 24 गए तो कितना बचेगा हमारा, हमारा बचेगा इसमें 24। अगर हम करेंगे 48 में से 80 गए तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 32, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है, आप 8 का टेबल पढ़ो तो इसका डिफरेंस आएगा, 8 1 जाए 8, 8 2 जाए 16, 8 3 जाए 24, 8 4 जाए 32, तो हमें पता चल गया अगला कौन सा होगा, 40 होगा, पता चल गया 40। 40 क्या होगा, यानी कि यहाँ कोई अगर एक्स होगा तब जो 80 और एक्स का जो डिफरेंस होगा वो 40 होगा, तो यानी कि हम 80 प्लस 40 करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 120। तो इसका जो आंसर है 120 इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी और क्वेश्चन अब आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, हम फेज़ टू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और अपनी ऐसी ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ आपको देते रहेंगे गाइज। तो अगर आप चैनल के साथ अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैरामाउंट, पैरामाउंट का सिनोनिम हमें बताना था, तो जो पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, बाकी इसका सिनोनिम आप समझदार है आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए सुदीरमान कप 2019 किस देश ने जीता, तो ये चाइना ने जीता था गाइज, ठीक है, इसमें जापान को हराया गया था। और आपको मैं बता दूँ, काफ़ी लोगों को मेरे हिसाब से पता ना होगा, ठीक है, तो सुदीरमान कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड होता है। आई होप, आशा करता हूँ आप सबको पहले से पता हो। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया परचेजिंग न्यूक्लियर सबमरीन फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है, $3 बिलियन की जो है सबमरीन की वो रखी है अभी डील, ठीक है, तो किसके साथ हुई है वो, तो चार ऑप्शन दिए थे आपको, USA, चाइना, फ्रांस, रशिया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है रशिया इज़ द राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए इसमें टर्न अ डीफ ईयर, इसका इडियम्स आया था टर्न अ डीफ ईयर का मतलब हम कह सकते हैं टू इग्नोर समवन, ठीक है। टू इग्नोर समवन मतलब कोई कुछ पूछ रहा हो या कुछ कंप्लेन कर रहा हो, मतलब इग्नोर करना एक तरीके से, उसकी बात ना सुनना, तो डीफ ईयर हम इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, बहरा होना, ठीक है, एक तरह से मतलब वैसा नाटक करना। तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसा यूनिट पूछी थी, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इक्वल्स टू हम कह सकते हैं एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है, एफ हमारा न्यूटन हो गया, क्यू हमारा कूलम हो गया, तो एफ बाई, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने समय के लिए आपातकाल लगा सकते हैं, शायद ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद गलत है, जहाँ तक मैंने अभी दूसरा देखा कोई, ठीक है, तो इसकी जगह ये क्वेश्चन मत देखना, शायद मे भी आप कमेंट करके बताना कौन सा है। भारत में राष्ट्रपति, ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में राष्ट्रपति, जो भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगा सकते हैं, इसकी जगह ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन था। अगर आपने एग्जाम दिया है अभी सेकंड शिफ्ट में, तो मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया अभी, भारत में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लग सकता है, तो भारत में जो राष्ट्रपति शासन है वो बेसिकली 6 6 महीने के उसमें लगता है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका दोनों पक्ष जो संसद में है वो क्या चाहते हैं, ठीक है, अगर वो और चाहते हैं तो जो मैक्सिमम है वो बेसिकली 3 ईयर्स तक लग सकता है, 6 6 महीने के उसमें, ठीक है, तो ये इसका आंसर होना था। तो ये वाले क्वेश्चन का डाउट है इसका बताना एक बार, ठीक है गाइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक घड़ी में 5:40 बज रहे हैं, अगर 5:40 तो मिरर में कितना होगा, तो सिंपल सा है, जब भी आपको ऐसा आएगा कि भाई घड़ी में कोई भी आपको टाइम दिया और मिरर में हमें टाइम बताना है, तो आप क्या करना, 11 आवर्स से या 60 मिनट से माइनस कर देना, या 23 23 आवर 60 मिनट से माइनस कर देना, तो सेम ही बात है, ठीक है, तो 11 आवर 60 मिनट से आप उस टाइम को माइनस कर दोगे तो आपका वो टाइम आ जाएगा जो मिरर में आएगा, तो ये याद रखना बस, 11 आवर 60 मिनट से आपको माइनस करना है, ठीक है गाइज, क्योंकि 11 आवर 60 मिनट का मतलब यहाँ पर हो गया 12 घंटे, हम यहाँ पर 12:00 नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो वहाँ पर वो कैलकुलेशन नहीं बनेगी गाइज, ठीक है, तो ये हम लेके चलते हैं जब मेरा काम क्वेश्चन निकालते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको और चैनल में देखने को मिलेगा आगे आगे, अब आपका रागा वगैरह का और मैथ्स आपकी काफ़ी ट्रिक्स के साथ हम कवर करेंगे, तो गाइज बने रहना चैनल के साथ, एंड फेज टू के बारे में भी हम एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कल परसों तक आपकी आ जाएगी गाइज, तो उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो बने रहना चैनल के साथ। धन्यवाद आज की वीडियो के इतना लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए गाइज़।